एचएम न्यूज वक्त हो गया है खबरों का। राज्य भर में एसटी श्रमिकों की चल रही हड़ताल की पृष्ठभूमि में एसटी कर्मचारी ने कल्याण एसटी डेपो में भी हड़ताल शुरू कर दी है। आज उसका दूसरा दिन है। लगभग 650 राउंड रद्द होने के वजह से 10 लाख रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। फिलहाल एलएमटी और केडीएमसी ने नवी मुंबई, पनवेल और भिवंडी के लिए यात्री सेवा के लिए अतिरिक्त बसें जारी की हैं। सध्या वाहतूक नियंत्रक म्हणून आगरात काम करतो है। ऑगस्ट मध्ये राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला। त्याच्यामध्ये जी विविध प्रकारची महामंडळं आहेत त्या महामंडळाच्या यादीतून केवळ तोट्याच्या नावाखाली एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगापासून वंचित ठेवलेलं आहे। गेल्या 10-12 वर्षापासून आमची या लढाई चालू आहे की आमचं शासनात विलीनीकरण करा, जेणेकरून कायमस्वरूपी जो आर्थिक प्रश्न एसटी महामंडळ समोर वारंवार उभा राहतो तो संपला जाए। आणि केवळ नुसत्या आश्वासनांवर ही जी लढाई सुरू असून कोणी प्रशासन शासनाने याकडे लक्ष दिलं नाही, परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या भावना संतप्त होऊन आणि आमच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही ही संपाची लढाई चालू केली आहे। तो इथे हमारे आज की खबर इसी तरह की खबरों के लिए बनी रहिए एचएम न्यूज के साथ।